चलिए, हेलो बच्चों, क्लास ट्वेल्थ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हेलोअल्केन, हेलोएरिन, पॉलीहैलोजन कंपाउंड्स, और उसके अंदर एक टॉपिक हमारा टेट्राक्लोरोमीथेन, CCl4। ठीक है, तो इसकी प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करते हैं। पहले प्रॉपर्टीज़ में कलरलेस कंपाउंड होता है ये, स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड एंड पॉइजनियस इन नेचर, जहरीला होता है, ठीक है ना। नॉट मिसेबल विद वाटर, पानी में नहीं घुलता है बाकी और दूसरे साथियों की तरह, और मिसेबल विद ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। प्रिपरेशन में हम क्या दिखा सकते हैं, देखो, हम पहले एल्केन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ में भी डिस्कस कर चुके हैं 11th क्लास में, और अभी हम 12th में मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स में भी डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे बनेगा CHCl3। तो लगातार आप ये रिएक्शन रिपीट करते जाओ जब तक कि हम सारे के सारे हाइड्रोजन एटम्स को रिप्लेस ना कर दें, किसके द्वारा, क्लोरीन के द्वारा। तो हमें मिल गया यहाँ पे क्या, अभी CH2Cl2। फिर हम इसकी रिएक्शन करते हैं क्लोरीन के साथ ही सनलाइट की प्रेजेंस में, एक HCl यहाँ से निकलेगा, एक हाइड्रोजन और हट जाएगा और एक क्लोरीन और जुड़ जाएगा, तो CHCl3। फिर फर्दर इसकी रिएक्शन कर देंगे वही सनलाइट की प्रेजेंस में और क्लोरीन के साथ, तो HCl निकलेगा और ये एच भी रिप्लेस हो जाएगा और CCl4। इस तरह से हमारा कार्बन टेट्राक्लोराइड बन जाएगा। फिर इसके यूजेज आते हैं, यूज एज ए सॉल्वेंट, ठीक है, एज ए डीग्रीसिंग एजेंट। डीग्रीसिंग मतलब कहीं चिकनाई वगैरह, ग्रीस वगैरह को हटाने के लिए। फिर ड्राई क्लीनिंग एजेंट, ड्राई क्लीनिंग करते हैं उसमें भी इसका यूज़ होता है। एज ए प्रोपेलेंट इन एरोसोल्स, एज ए फायर एक्सटिंग्विशर, आग बुझाने के यंत्रों में इसका यूज़ किया जाता है। फिर इसके हार्मफुल इफेक्ट्स, इट कॉज स्किन एंड लीवर कैंसर, ध्यान रखना कार्सिनोजेनिक कंपाउंड है, कैंसर फैलाता है। कॉज इम्पेयर्ड हेयरिंग और विजन, सुनने की समस्या, सुनने की क्षमता कम हो जाती है और देखने की, आइज़ का विजन कम हो जाता है। कोज डेजीनेस, नॉक्जिया, इरेगुलर हार्ट बीट, ये बीमारियाँ, बेहोशी का सा, सुनापन सा हाथ पैरों में, और हार्ट बीट बढ़ना घटना अपने आप, इरेगुलरिट होना, ये हो सकता है। और सबसे ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट इसका, ये ओजोन लेयर को डिप्लीट करता है कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वीडियो में फ्रियोन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए।